यहाँ से व्यू देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखो ये नीचे से रोड आ रही है, ये ऊपर की चोटी है। अभी हमें वहाँ तक जाना है। पैकिंग हो चुकी है और ये पूरा सामान मेरे को दूसरे बैग में डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें आ नहीं पाएगा। लेकिन मैं कन्फ्यूजन लैपटॉप ले जाऊँ ना ले जाऊँ क्योंकि इसमें मैंने अभी 9000 रुपये लगाए थे, बट ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। मेरी इसमें एडिटिंग हो नहीं पा रही है, इसलिए मेरे को ये दोबारा दिखाना पड़ेगा। बट ले जाना इसलिए पड़ सकता है क्योंकि ये स्टोरेज का काम करेगा। अगर स्टोरेज फुल हो जाता है तो ये काम में आएगा। ये सारा सामान अभी मैं दूसरे बैग में डालूंगा और बाकी सारी पूरी तैयारी हो चुकी है। आ रही है, ये ऊपर की चोटी है। अभी हमें वहाँ तक जाना है। आज तो लग रहा है बारिश भी हो सकती है। तो मजा आ रहा होगा ठंडे-ठंडे में जाने में। हाँ ये भी ठीक है। तो दोस्तों अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं। मौसम एकदम अलग ही लेवल का हो रहा है, बारिश होने वाली है। मेरे को चांस लग रहा है बारिश हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं चाय बन रही है। ये दादा हमारे चाय बना रहे हैं। नाम क्या दादा आपका? हाँ जी ललित जी। ना क्या नाम है? ललित। ललित ललित नाम है दादा का। दादा चाय बना रहे हैं, एकदम स्पेशल चाय बना रहे हैं, प्योर दूध की। आपको यहाँ 15 रुपये की चाय मिलेगी। अगर आप मतलब पानी वाली पीना चाहेंगे, मतलब जिसमें दूध कम होगा, तो वो 10 रुपये की, और वैसे 15 रुपये की चाय है। 15 की ना दादा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आपको चाउमीन भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। मैगी चाउमीन है, मोमोज है, सब कुछ है। दाल चावल रोटी। ये कौन सी लगती है? आम पड़ाव। आम पड़ाव। हाँ जी ये आम पड़ाव लोकेशन है। आप यहाँ जब भी आए दादा के यहाँ पे जरूर रुकें। और ये लोकेशन बहुत प्यारी है। सबसे अच्छी मेरे को लोकेशन लगी। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे बैठने का अच्छा इंतजाम है। सामने आप व्यू का मजा ले सकते हैं। देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। एकदम यार अच्छा भी दिख रहा है यहाँ से। बिल्कुल यहाँ से दादा नैनीताल कितना होगा? नैनीताल यहाँ से कितना होगा? यहाँ से भी 18 किलोमीटर नैनीताल है। ज़्यादा दूर नहीं है, हम पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। ये आप देख सकते हैं। ये क्या है? अच्छा ये भी ये किचन टाइप में है। एक ही बात है। ठंडी में चाय पीने का अलग ही मज़ा है। एक नंबर आ रहा, बहुत बढ़िया बनी है, मज़ा आ गया। बाइक थोड़ा लोड ले रही है क्योंकि हम दो लोग हैं, तो मेरे को सर्विस करा के आना चाहिए। मैंने सर्विस नहीं कराई हुई, इसलिए थोड़ा सा लोड ले रही है पहाड़ पे चढ़ते हुए, बट कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे। क्या पराठे खाओगे? बढ़िया है, चाय से अच्छे लगेंगे। तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजारे हो। तो यार मैं भी अभी नैनीताल पहुंचा हूं, लेकिन मैं आपके लिए एक बात बताना चाहूँगा। अगर आप आ रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा आप फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन, अगर आप अपनी पर्सनल बाइक से आ रहे हैं, तो अगर आप किराए से आ रहे हैं, बस से या ट्रेन से या फ्लाइट से आ रहे हैं, तो आप आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप अपने पर्सनल बाइक से या कार से आ रहे हैं तो आप ना आएँ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी लगभग मैं आपको बता दूँ, अभी 10 किलोमीटर पहले मेरे को रोक लिया गया था। मेरे को क्या, जितने भी लोग आ रहे थे उत्तराखंड के बाहर के, उन लोगों को रोक लिया गया था। उनकी बाइक वहीं खड़ी करवा दी गई थी। मतलब आप हाँ बाइक खड़ी करो, उसके बाद में आप बस से जाओ, कैसे भी जाओ, वो आपकी प्रॉब्लम है। और एक दिन का चार्ज कर रहे थे वो 120 रुपये बाइक का स्टैंड का। कोई तरीका यार, 120 बहुत होते हैं बाइक के, 10 रुपये या फिर 20 रुपये जाते हैं, बट 120 रुपये मेरे को तो यार बहुत ज़्यादा लगे ये। तो मैं दूसरे रास्ते से आया, बहुत परेशानी में यहाँ पर आ पाया। अपनी बाइक से आएँ तो आप संडे के बाद आएँ, मंडे को आएँ, ट्यूजडे को आएँ, कभी भी आ सकते हैं। और एक बात, दूसरी बात यह है, अगर आपके पास आरटीपीसीआर चार्ज नहीं तो आप ना आएँ, क्योंकि आपको कई बार पुलिस वाले मिलेंगे, आपको परेशान करेंगे, पूछेंगे, और आपको होटल में रूम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यार ये दो चीज़, आप मेरी बात मानो, आप अभी अपनी बाइक से ना आएँ अगर आप वीकेंड में आना चाहते हैं, और अगर आप अपनी बाइक से आते हैं तो वीकेंड के बाद में आएँ, और प्लस आरटीपीसीआर चार्ज जरूर लेके आएँ। तो यार इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नैनीताल के। तब तक लिए आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, बाबा टेक केयर, लव यू।